नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपने भाई और सांसद राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर बर्थडे विश किया। प्रियंका गांधी ने राहुल को विश करते हुए कहा कि आप हमेशा मेरे दोस्त और मार्गदर्शक बने रहना। राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। कांग्रेस नेता का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। प्रियंका के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। प्रियंका गांधी ने अपनी और राहुल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे प्रिय भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका जीवन ब्रह्मांड और अन्य चीजों को लेकर दृष्टिकोण रास्ते को रोशन कर देता है। हमेशा मेरे दोस्त, मेरे सहयात्री, तर्कशील मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता बने रहना। चमकते रहो, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार। प्रियंका की तरफ से जो तस्वीर शेयर की गई है वह एक राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इसमें दोनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। खड़गे ने कहा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान में निहित मूल्यों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और लाखों अनसुनी आवाजों के प्रति आपकी सशक्त करुणा ऐसे गुण हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विविधता में एकता, सद्भाव और करुणा का लोकाचार आपके सभी कार्यों में दिखाई देता है, क्योंकि आप सत्ता को सच्चाई का आईना दिखाकर अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के अपने मिशन में लगे हुए हैं। मैं आपके लंबे स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी राहुल को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देने वाले करोड़ों भारतीय नागरिकों में खुद को शामिल करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जी भारत के गरीबों, वंचितों और पिछड़े नागरिकों के निर्विवाद नेता हैं। वह बेजुबानों की आवाज, कमजोरों के लिए शक्ति का स्तंभ हैं। हमारे संविधान के संरक्षक, न्याय योद्धा और गौरवशाली भविष्य के लिए भारत की सबसे उज्जवल आशा हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।